संशोधन करवा दो लड़ने या हम कार्यकर्ताओं ने भी आवेदन किए
बिल्कुल सबका फीडबैक और सबने आवेदन जो इन साथियों ने किए हैं, कितने लोगों के लोग हैं? करीबन 1200-1300 लोगों के बीच में। ये आपके सीएम छह नामों की उन्होंने सम्मानित किए हैं, वो तय माने? देखिए, ये तो अभी जब तक मोहर नहीं लग जाती है सीसी की, जो अल्टीमेट कमेटी है टिकट फाइनलाइजेशन का जो निर्णय लेती है, उससे पहले ये केवल संभावनाएं है और जो फीडबैक आया उसके आधार पर जो निदेशक ने हमारी बात रखी है वो है। कौन साहब, आपके अध्यक्ष बनने के बाद जो विधायक है सांसद है वो एक महीने का जो वेतन देना है वो दे नहीं रहे, उपेंद्र सिंह उठा कहते हैं कि कौन सोचा देने का, अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही कहा आंधे के बाद धीरा मुड़ा हुआ, ऐसे ही जो है अपना जो है अपने को पैसे की कोई जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना काम चल रहा है। आप जैसे भाई अध्यक्ष जी, आपने एक प्रक्रिया पूरी की है स्क्रीनिंग कमेटी, उसमें 1200 में लोगों को डिस्कस नहीं हो सकता, 5-7, 10-20 नाम आपने छाटे होंगे, एक सीट में अगर 3 भी करेंगे तो 3 नाम छाटे होंगे। अभी वो प्रक्रिया डिस्कशन में कुछ सीटों पे कंप्लीट हुई है या पूरी में कंप्लीट नहीं हुई है, या उसको क्या है स्थिति, क्योंकि गुलाम नबी आजाद से बढ़ा दी तो कम से कम 1000 के मामले में नहीं है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आपको डिक्लेयर कर दिया, सिटी कमेटी को डिक्लेयर कर दिया, और जाते जाते इशारे कर दिए हैं, उसके ऊपर चर्चाएं हुई है, 10 के 10 पार्लियामेंट में हुई है, लेकिन जब तक वो प्रक्रिया अभी स्क्रीनिंग की 100 राउंड और होगा उसके बाद मामला सीसी के अंदर जाएगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति हमारी अंतिम फैसला वो करेंगे। बाकी गुलाम नबी जी इंचार्ज है, उन्होंने अपने अनुभव और फीडबैक के आधार पर जो नहीं है बात बीच में वो उनका धन्यवाद।